अरे भाई ये कर भी देगा, क्योंकि नाम इसका तारा सिंह है और हाथ ढाई ढाई किलो के। पिछली बार इसने नल उखाड़ दिया था, क्या पता इस बार किसी की गर्दन ही उखाड़ दे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस हफ्ते दो बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, पहली गदर 2 और दूसरी ओ माई गॉड 2। गदर फिल्म को लोग VFX इफेक्ट के लिए नहीं और न ही इसकी लव स्टोरी के लिए, बल्कि इस फिल्म के बेहतरीन डायलॉग के लिए लोग इसे देखना चाहते हैं। हमारा दुश्मन जिसने हम लोगों का खून बहाया, वो हमारे वतन में हमारी सरजमीन पर आएगा। इस फिल्म के हिट होने की एक बड़ी वजह 15 अगस्त भी है, क्योंकि लोग इसे देशभक्ति फिल्म मानते हैं। इस कदर लोगों की भावनाएं इस फिल्म से जुड़ी हैं कि अब किसी को भी मार्वल या फिर सुपर हीरो याद भी नहीं रहे। गदर 2 और ओ माई गॉड 2 दोनों एक दूसरे की टक्कर पर हैं। वैसे पब्लिक ने अधिकतर गदर 2 को ही देखने के लिए ज्यादा वोट दिए हैं। आप इनमें से कौन सी फिल्म पहले देखना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों दोनों ही फिल्में अपने अपने समय की हिट फिल्में रही हैं, लेकिन ओ माई गॉड फिल्म पिछली बार भी विवादों में फंस गई थी और इस बार भी इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने में काफी समय लग गया है, और हिंदू महासंघ ने तो इस फिल्म को बैन करने के लिए कह दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों सच कहूं तो गदर 2 ने अभी तक ओ माई गॉड 2 को पछाड़ रखा है। ये तो अच्छा हुआ कि एनिमल फिल्म की डेट को आगे बढ़ा दिया गया, वरना उसका भी अच्छे से कट जाता। मेरा मतलब है कि नंबर गदर 2 की बात करें तो इस फिल्म ने एडवांस में ही 1 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं, जबकि ओ माई गॉड 2 ने केवल 70 लाख के ही टिकट बेचे हैं। इतने का तो अक्षय कुमार केला ही खा जाते होंगे। वैसे ओ माई गॉड 2 फिल्म को चलाने के लिए अक्षय कुमार ने दिमाग लगाया है। वो सीधा सदगुरु के पास चले गए और उनको ये फिल्म भी दिखाई, जिसकी तारीफ भी की गई थी, और किसी ने ट्वीट कर दिया कि मूवी के पहले भाग में तुमने गुरुओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था और अब फिल्म को चलाने के लिए उन्हीं से आशीर्वाद भी ले रहे हो। वाह बेटा, लोगों को अच्छे से बना रहे हो। वैसे ओ माई गॉड फिल्म ने पहले ही अपने घुटने टेक दिए हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एडवांस बुकिंग में केवल 10,000 टिकट ही बिके हैं। इस फिल्म का चलने का एक ही कारण हो सकता है, और वो ये है कि अगर फिल्म का कंटेंट या मैसेज लोगों को पसंद आ जाए, नहीं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे गदर 2 तो पहले ही अपनी गड्डी पाकिस्तान में पार कर चुकी है। दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी फिल्म बाजी मारने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ऐसे ही आने वाली फिल्मों की नोटिफिकेशन चाहिए या फिर बेहतरीन फिल्मों की पूरी कहानी सुनना पसंद है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों हम मिलेंगे किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।